ये जो लड़ाई है ये लड़ाई कोई छोटी लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई 27% की भी नहीं है, बल्कि हमारी लड़ाई है 85% के लिए। 15% के लोग जो हमारे ऊपर लगातार राज करने का काम कर रहे हैं, ऐसे सामंती लोगों को हमको और आपको एकजुट होकर के भगाना होगा। केवल उस शिक्षा में ही नहीं, आज हमारी हमारे लोग न्यायालयों में है, सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट में अगर आप देखेंगे जिस हिसाब से ऐसे लोगों की नियुक्तियां हो रही हैं, ऐसे लोग सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज बन रहे हैं। जब वहां लोग नहीं रहेंगे, जब वहां आरक्षण नहीं रहेगा, तो हमारा प्रतिनिधित्व नहीं रहेगा, हमारी बात नहीं होगी, हमारे हक की बात नहीं होगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, हम लोग चाहे इलाहाबाद विश्वविद्यालय से लेकर के दिल्ली तक, लखनऊ तक हमेशा लड़ने का काम करते हैं, इसलिए नहीं लड़ने का काम करते हैं कि हमको हमारा का अधिकार चाहिए। हमको और आपको अगर आपस में हम लोग एकजुट हो गए, पहले सबसे ज्यादा जरूरत है हमको और आपको एकजुट होने की। हम अगर हम और आप हमारे एकजुट हो गए तो हमको कोई रोक नहीं सकता है। इस देश में, इस सत्ता में हमारी सत्ता होगी, हमारी सरकार होगी और हमारी बात करने वाले लोग होंगे। ज्यादा कुछ नहीं बोलना है, समय कम है, पीछे से इशारा हो रहा है, लेकिन बस यही निवेदन है कि लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने के लिए तब तक मजबूर किएगा जब तक हम लोग संसद से लेकर के उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों के लोग नहीं हो जाते हैं, तब तक लड़ाई को वापस नहीं लेना है। इस ध्येय के साथ, इस सपने के साथ आगे बढ़िएगा, तभी कुछ होने वाला है। नहीं तो अगर इस लड़ाई को थोड़ा सा अगर हम लोग झुके तो हम लोग कभी जीत नहीं सकते हैं। जय हिंद, जय लोहिया, जय भीम, धन्यवाद। We'll be right back.